टीम नर्सिंग एकेडमी प्रेजेंट्स मोस्टबीस एनक्लेक्स आरएन सीरीज 20 एडिशन सब्जेक्ट फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन टॉप 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 71 to 80। दोस्तों हंसते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। लेट्स नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 71। वाइल अवेटिंग द बायोप्सी रिपोर्ट बिफोर रिमूवल ऑफ ट्यूमर, बायोप्सी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं ट्यूमर हटाने से पहले, द क्लाइंट रिपोर्ट बीइंग अफ्रेड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, क्लाइंट अफ्रेड है कैंसर डायग्नोस होने से, हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, नर्स कैसे रेस्पॉन्ड करेगी। ऑप्शन नंबर वन, वरिंग इज नॉट गोइंग टू हेल्प द सिचुएशन, ये रिप्लाई करेगी कि चिंतित होना सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं है। ऑप्शन नंबर टू, लेट्स वेट अंटिल वी हियर व्हाट द बायोप्सी रिपोर्ट से, हम तब तक इंतजार करेंगे कि बायोप्सी रिपोर्ट क्या कहती है। इट इज वेरी अपसेटिंग टू हैव टू वेट फॉर बायोप्सी रिपोर्ट, बायोप्सी रिपोर्ट का इंतजार करना थोड़ा अपसेटिंग मुश्किल है। ऑप्शन नंबर फोर, ऑपरेशंस आर नॉट परफॉर्म अनलेस देर आर नो अदर ऑप्शंस, ऑपरेशंस के लिए कोई अदर ऑप्शंस नहीं है। यस द राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री। इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जिस स्टेटमेंट में पेशेंट बात कर रहा है नर्स उसी स्टेटमेंट में रेस्पॉन्ड करेगी, रेशनल। ऑप्शन नंबर थ्री, इट इज वेरी अपसेटिंग टू हैव टू वेट फॉर बायोप्सी रिपोर्ट, एड्रेस द फैक्ट दैट द क्लाइंट्स फीलिंग ऑफ एंजाइटी आर वैलिड। ऑप्शन नंबर वन और टू, दिस डज नॉट एड्रेस द क्लाइंट्स कंसर्न एंड मे इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। ऑप्शन नंबर फोर, दिस इज इररिलेवेंट एंड डज नॉट एड्रेस द क्लाइंट्स कंसर्न। क्वेश्चन नंबर 72, ए क्लाइंट इज एडमिटेड फॉर सर्जरी, ऑल्दो एक पेशेंट सर्जरी के लिए एडमिट हुआ, यद्यपि नॉट फिजिकली डिस्टर्ब्ड, द क्लाइंट अपीयर अप्रेहेंसिव एंड विथड्रॉल। अप्रेहेंसिव मींस भयभीत या फियरफुल, विथड्रॉल मींस सर्जरी के लिए मना करना। व्हाट इज द नर्सेज बेस्ट रेस्पॉन्स, नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा। ऑप्शन नंबर वन, ओरियंट द क्लाइंट टू द यूनिट एनवायरमेंट, यूनिट एनवायरमेंट से क्लाइंट को ओरियंट कराएं। हैव ए कॉपी ऑफ हॉस्पिटल रेगुलेशन अवेलेबल। ऑप्शन नंबर थ्री, एक्सप्लेन दैट देयर इज नो रीजन टू बी कंसर्न्ड, ये एक्सप्लेन करे कि अप्रेहेंसिव होने का कोई कंसर्न नहीं है या कोई रीजन नहीं। ऑप्शन नंबर फोर, रीअश्योर द क्लाइंट दैट देयर स्टाफ इज अवेलेबल टू आंसर क्वेश्चन, पेशेंट को ये एश्योर करे कि स्टाफ अवेलेबल है आपके जो भी क्वेश्चन या डाउट्स हैं उनको सॉल्यूशन करने के लिए। यस द राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, ओरिएंट द क्लाइंट टू द यूनिट एनवायरमेंट, रेशनल। ओरिएंटिंग द क्लाइंट टू द हॉस्पिटल यूनिट प्रोवाइड नॉलेज दैट मे रिड्यूस द स्ट्रेंजिनेस ऑफ द एनवायरमेंट, भयभीत होना या फियरफुल को कम करने के लिए नर्स पेशेंट को हॉस्पिटल एनवायरमेंट से ओरिएंट करवाएगी। ऑप्शन नंबर टू, इज ए पार्ट ऑफ ओरिएंटिंग द क्लाइंट टू द यूनिट, दिस अलोन इज नॉट एनफ व्हेन ओरिएंटिंग ए क्लाइंट टू द हॉस्पिटल। ऑप्शन नंबर थ्री, मे बी फॉल्स रीअश्योरेंस बिकॉज नो वन कैन गारंटी दैट देर इज नो रीजन टू बी कंसर्न्ड। ऑप्शन नंबर फोर, दिस इंप्लाइज दैट स्टाफ मेंबर आर अवेलेबल ओनली इफ द क्लाइंट हैव स्पेसिफिक क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 73, इन टूडेज हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ए नर्स एज ए टीचर इज कन्फ्रंटेड विथ मल्टीपल स्ट्रेसर, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में
एक नर्स टीचर के रूप में मल्टीपल स्ट्रेस फेस करती हैं। व्हाट इज मेजर स्ट्रेसर दैट डिस्ट्रैक्ट, सबसे मुख्य स्ट्रेसर कौन सा है दैट जो कि डिस्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एफर्ट, टीचिंग एफर्ट्स के इफेक्टिवनेस को। ऑप्शन नंबर वन, एक्सटेंट ऑफ इन्फॉर्म्ड कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को विस्तृत करना। ऑप्शन नंबर टू, लिमिटेड टाइम टू इंगेज इन टीचिंग, कम समय होना टीचिंग में इंगेज होने के लिए। ऑप्शन नंबर थ्री, वेराइटी ऑफ कल्चरल बिलीफ दैट एग्जिस्ट। ऑप्शन नंबर फोर, डिफिशियंट मोटिवेशन ऑफ एडल्ट लर्नर्स। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर टू, लिमिटेड टाइम टू इंगेज इन टीचिंग। रेशनल, बिकॉज ऑफ द वेराइटी ऑफ फैक्टर्स वेइंग फॉर नर्सेस टाइम, एफिशियंट यूज ऑफ टाइम अवेलेबल फॉर टीचिंग इज असेंशियल टू मीट द स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सेज। एफेक्टिव टीचिंग देने के लिए या क्लाइंट्स या लिसनर को इंगेज करने के लिए टाइम इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द इंक्रीजिंग अवेयरनेस एंड नॉलेज ऑफ हेल्थ इश्यूज बाई कंज्यूमर्स मे प्रोवाइड अ फाउंडेशन। नॉलेज और अवेयरनेस इंक्रीज करना कंज्यूमर के हेल्थ इश्यूज के बारे में एक बेसिक आधार प्रदान करता है। ऑन विच द टीचिंग प्लान, जिसपे हमें टीचिंग प्लान देना है, मे बी बिल्ट। इन्फॉर्म्ड कंज्यूमरिज्म शुड बी व्यूड एज ए पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। दैट मीन्स हम पहले ही टीचिंग देने से पहले की जो क्लाइंट है या कंज्यूमर है उसको उस टॉपिक जैसे डायबिटीज के बारे में कितना नॉलेज है वो हम पहले असेस करना, जिससे उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। असेसिंग कल्चरल बिलीफ इज ए पार्ट ऑफ इनिशियल एंड कंटिन्यूइंग असेसमेंट ऑफ क्लाइंट्स, दिस शुड नॉट कॉज एडिशनल स्ट्रेस वाइल टीचिंग। जनरली एडल्ट आर मोटिवेटेड इंडिपेंडेंट लर्नर एंड द नर्स टीचर शुड बी एज ए फैसिलिटेटर ऑफ ए लर्निंग। नर्स एक फैसिलिटेटर के रूप में काम कर सकती है क्योंकि एडल्ट लर्निंग के लिए ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं या इंटरेस्टेड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ए नर्स इज ए लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर सेटिंग इज असाइंड टू इंट्रोड्यूस ए क्लाइंट। लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर नर्स एक असाइंड क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कर रही है, हु हैज पीएचडी, जो कि पीएचडी है, टू द अदर क्लाइंट्स। द क्लाइंट टेल द नर्स, क्लाइंट नर्स को बताता है, आई विश टू बी कॉल्ड डॉक्टर, मैं डॉक्टर कहलवाने की इच्छा रखता हूं या मुझे डॉक्टर कॉल करें। हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, नर्स का रेस्पॉन्ड क्या होगा। ऑप्शन नंबर वन, योर विश विल बी रेस्पेक्टेड, आपकी इच्छा रेस्पेक्टेड है। ऑप्शन नंबर टू, व्हाई डू यू वांट टू बी कॉल्ड डॉक्टर, आप डॉक्टर क्यों कहलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर थ्री, रेजिडेंट हेयर कॉल वन अनदर बाय देयर फर्स्ट नेम्स, रेजिडेंट मोस्टली फर्स्ट नेम से कॉल करते हैं, बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर फोर, वुड नॉट इट बी बेटर इफ द अदर डोंट नाउ यू आर डॉक्टर, ये ज्यादा अच्छा है कि दूसरों को पता नहीं लगे कि आप डॉक्टर हो। एक टिप्स बताता हूं इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, जिस भी ऑप्शन में डब्ल्यू एच वर्ड हो वो हम एलिमिनेट कर देंगे। इसमें भी डब्ल्यू एच वर्ड है, ये कंपलसरी नहीं है कि ये फॉर्मूला सब क्वेश्चंस पे अप्लाई हो। अब दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए, हमारे पास ऑप्शन बचे कौन, फर्स्ट एंड थ्री। अब राइट आंसर गेस करना, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, योर विश विल बी रेस्पेक्टेड। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, जो भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है उसमें जो पेशेंट कर रहा है उसी की लैंग्वेज में नर्स को रेस्पॉन्ड करना है। योर विश विल बी रेस्पेक्ट, ऑप्शन नंबर थ्री इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन। रेशनल, द क्लाइंट हैज द राइट टू मेक दिस डिसीजन एंड द स्टाफ शुड एक्सेप्ट द क्लाइंट्स विशेस। द क्लाइंट इज ए डॉक्टर एंड द नर्सेज स्टेटमेंट अटैक द क्लाइंट सेल्फ कंसेप्ट। द इनफॉर्मेलिटी ऑफ यूजिंग फर्स्ट नेम्स इज नॉट इंक्रीज्ड
unless it is the client's choice. Option number four saying the nurse can and should honor the client's request. Question number 75, but you don't know, don't understand, परंतु आप समझते नहीं है, इट इज ए कॉमन स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद एडोलेसेंट. ये एक बेसिक स्टेटमेंट है जो एडोलेसेंट यूजुअली स्पीक करते हैं, बोलते हैं. व्हाट इज द नर्सेस बेस्ट रेस्पॉन्स व्हेन हियरिंग दिस, नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा यदि ऐसा सुनती है. ऑप्शन नंबर वन, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, मैं नहीं समझ सकती कि आपका क्या मतलब है. आई डोंट अंडरस्टैंड आई वॉज ए टीनेजर वंस टू, आई डू अंडरस्टैंड आई वॉज ए टीनेजर वंस टू, मैं समझ सकती हूँ कि मैं एक टीनेजर या एडोलसेंट थी. ऑप्शन नंबर थ्री, इट वुड बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड लेट्स टॉक, ये समझने के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, चलो हम बात करते हैं. ऑप्शन नंबर फोर, इट्स यू वुड शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर्स, आपको दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए. गेस द राइट आंसर. मैं ऑलरेडी एक टिप्स और बताता हूं आपको, जिस ऑप्शन में लेट्स प्रेजेंट हो, डब्ल्यू एच वर्ड ऑलरेडी ऑलवेज एलिमिनेटेड किए जाते हैं, कंपलसरी नहीं है. इसमें डब्ल्यू एच वर्ड कौन से वाले ऑप्शन में है, इट्स वुड, हम इसको सॉरी कंपलसरी नहीं है. लेट्स वाला ऑप्शन जिसमें लेट्स लिखा हो वो राइट होने के चांसेस रहते हैं. देन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, रेशनल. दिस रेस्पॉन्स अटेम्प्ट टू ओपन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो भी कम्युनिकेशन वाले क्वेश्चन है, जिसे क्लाइंट सॉरी नर्स क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रही है, वो किस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए. या एक यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि किस टाइप के क्वेश्चन में क्लाइंट से नर्स कम्युनिकेट करेगी, दैट मीन्स राइट आंसर क्या होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन. ऑप्शन रिफ्लेक्टिंग द वर्ड्स नोट द फीलिंग, सर्व टू इंट्रेंस द कम्युनिकेंट्स पोजिशन एंड डज लिटिल टू ओपन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, दिस शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम द क्लाइंट, दिस इज ऑथोरिटेटिव एंड क्लोज द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. क्वेश्चन नंबर 76, द नर्स मैनेजर इज प्लानिंग टू असाइन ए नर्सिंग असिस्टेंट टू केयर फॉर क्लाइंट, एक नर्स मैनेजर नर्सिंग असिस्टेंट को असाइन करने का प्लान कर रहा है. व्हाट केयर कैन बी डेलीगेटेड, कौन कौन सी केयर डेलीगेट की जा सकती है, असाइन की जा सकती है, ऑन ए मेडिकल सर्जिकल यूनिट टू एन ए, मेडिकल सर्जिकल यूनिट में नर्सिंग असिस्टेंट को. सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, जो जो ऑप्शन है उनमें हमें सभी सिलेक्ट करें. यदि आपने ऑलरेडी वीडियोस देखा होगा पहले वाला, इससे जस्ट पहले वाला, तो हम पहले से ही नर्सिंग असिस्टेंट के जॉब डिस्क्रिप्शन उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ऑप्शन नंबर पहला हमारा फर्स्ट है, परफॉर्मिंग ए बेड बाथ फॉर ए क्लाइंट ऑन बेड रेस्ट, बेड रेस्ट के दौरान क्लाइंट को बेड बाथ देना. ऑप्शन नंबर टू, इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एसिटामिनोफेन एंड कोडेन, कोडेन और एसिटामिनोफेन के इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करना. ऑप्शन नंबर थ्री, ऑब्टेनिंग एन एपिकल पल्स रेट बिफोर ओरल डिजोक्सिन इज एडमिनिस्ट्रेशन, डिजोक्सिन एडमिनिस्टर करने से पहले एपिकल पल्स चेक करना. ऑप्शन नंबर फोर, असिस्टिंग ए क्लाइंट हु हैज पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया टू द बाथरूम, एक पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया पीसीए लगा तो उसको बाथरूम में जाने के लिए असिस्ट करना. Assessing the wound integrity of client recovering from an abdominal laparotomy. Guess the right answer. Right answer is option number 1 and 4. Performing a bed bath for a client on bed rest. Assisting a client who has patient control analgesia to their bathroom. मीन्स नर्सिंग असिस्टेंट का जनरल वर्क होंगे, मतलब जिसको किसी स्पेसिफिक स्किल की रिक्वायर्ड नहीं हो सकती.
Performing a bed bath for a client on bed rest is within the scope of practice of a nursing assistant. इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें उसके सबके जॉब डिस्क्रिप्शन का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है. ऑप्शन नंबर टू सेइंग इवैल्यूएटिंग ह्यूमन रिस्पांस टू मेडिकेशन रिक्वायर द एक्सपर्टाइज ऑफ ए लाइसेंस्ड प्रोफेशनल नर्स. ऑप्शन नंबर थ्री ऑब्टेनिंग एन एपिकल पल्स रेट बिफोर ओरल डिजोक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड. ओरल डिजोक्सिन देने से पहले एपिकल पल्स लेना रिक्वायर ए प्रोफेशनल नर्सिंग जजमेंट. एक प्रोफेशनल नर्सिंग जजमेंट की आवश्यकता होती है टू डिटरमाइन, ये निर्धारित करना वेयर और नॉट द मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड, कि मेडिकेशन देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए. ऑप्शन नंबर फोर असिस्टिंग ए क्लाइंट हु हैज पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया टू द बाथरूम डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोफेशनल नर्सिंग जजमेंट एंड इज विद इन द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्सिंग अटेंडेंट्स. Evaluating human responses to the healthcare intervention require the expertise of a licensed professional nurse. Question number 77. A client is hospitalized with a tentative diagnosis of pancreatic cancer. A patient pancreatic cancer का tentative मतलब assumed diagnosis से admit हुआ है. On admission, the client asks the nurse. Admission के समय क्लाइंट नर्स से पूछता है डू यू थिंक आई हैव एनीथिंग सीरियस लाइक कैंसर, क्या आप सोचते हैं कि मुझे कोई कैंसर जैसा कोई सीरियस डिजीज है. व्हाट इज द नर्सेज बेस्ट रिप्लाई, नर्स का बेस्ट रिप्लाई क्या होगा. ऑप्शन नंबर वन व्हाट मेक यू थिंक यू हैव कैंसर, आपको क्या लगता है कि आपको कैंसर है. ऑप्शन नंबर टू आई डोंट नो इफ यू डू लेट्स टॉक अबाउट इट, क्या तुम्हें मालूम नहीं है चलो इसके बारे में हम बात करते हैं. ऑप्शन नंबर थ्री व्हाई डोंट यू डिस्कस दिस विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आपने अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस क्यों नहीं किया. ऑप्शन नंबर फोर यू नीड नॉट वरी नाउ, आपको अभी चिंतित होने की जरूरत नहीं. वी वर नॉट नाउ द एंसर फॉर फ्यू डेज, हमें इसका जवाब कुछ दिनों में मिल जाएगा. मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था डब्ल्यू एच वर्ड को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. ऑप्शन नंबर थ्री चला गया हमारा, एलिमिनेट हो गया. डब्ल्यू एच वर्ड स्टार्टिंग में, डब्ल्यू एच वर्ड पॉइंट पे ध्यान देना, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, डब्ल्यू एच वर्ड एलिमिनेट कर देंगे. राइट आंसर होने की संभावनाएं कौन से ऑप्शन में रहेंगी, जिस सेंटेंस में क्या है लेट्स टॉक, मतलब ओपन एंडेड ऑप्शन है या बात को आगे बढ़ाने वाला है, ऐसा ऑप्शन जो बात को आगे बढ़ाने वाला है या ओपन एंडेड कम्युनिकेशन से. तो हम राइट गेस द राइट आंसर, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर टू. ट्रिक्स हमारी अप्लाई हो रही है लेकिन कंपलसरी नहीं है कि 100% अप्लाई हो. नॉलेज इज मोर देन इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, नॉलेज ट्रिक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए डू हार्ड वर्क. रेशनल The nurse has demonstrated recognition of the verbalized concern and a willingness to listen. Nurse को verbalized communication करने के लिए या उस clients की सभी willings को discuss करने के लिए responsible है. That as a advocate, the client did not state this as the diagnosis. The response put the client on the defensive. Avoiding the question indicate that the nurse is unwilling to listen. Question सुनने avoid करने का मतलब है कि nurse सुनने के लिए इच्छित नहीं है. This cut off communication and deny feeling. ये you did not worry. आपको that means he cut the communications. Question number 78. What type of interview is most appropriate when a nurse admit a client टू ए क्लिनिक. एक क्लाइंट क्लिनिक में एडमिट हुआ है, किस टाइप का इंटरव्यू मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा. ऑप्शन नंबर वन डायरेक्टिव इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर टू एक्सप्लोरेटिव इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर थ्री प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर फोर इंफॉर्मेशन गिविंग इंटरव्यू. दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. गेस द राइट आंसर.
ऑप्शन राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, डायरेक्टिव। रेशनल कैसे? द फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज डाटा कलेक्शन। नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहली स्टेप होती है असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर क्या होता है? डाटा कलेक्शन, सो दैट क्लाइंट नीड कैन बी आइडेंटिफाइड। सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट काम असेसमेंट में हम डाटा कलेक्शन के बाद क्लाइंट की नीड आइडेंटिफाई कर सकें। ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इनिशियल इंटरव्यू अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग या नर्सिंग प्रोसेस में कौन सी स्टेप हो गई? फर्स्ट स्टेप इज डाटा कलेक्शन। इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप इज डायरेक्ट अप्रोच। क्लियर? दो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है हमारे यहाँ पे। नर्सिंग प्रोसेस या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप है डाटा कलेक्शन। पेशेंट की इंटरव्यू के अंदर फर्स्ट स्टेप है डायरेक्ट अप्रोच। उसकी डायरेक्ट ऑब्टेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज एलर्जी, करंट मेडिकेशन एंड हेल्थ हिस्ट्री। क्लियर? दोबारा रिपीट कर देता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप या नर्सिंग प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप है डाटा कलेक्शन। ओके, इंटरव्यू, इनिशियल इंटरव्यू लेने के लिए फर्स्ट स्टेप है डायरेक्टिव अप्रोच। एक्सप्लोरेटरी अप्रोच, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है विस्तृत। एक्सप्लोरेटरी अप्रोच इज टू ब्रॉड बिकॉज इट इज ए नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। एक्सप्लोरेटरी अप्रोच किस प्रकार का इंटरव्यू है? नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। द क्लाइंट कंट्रोल द सब्जेक्ट मैटर, इंफॉर्मेशन गिविंग इज ए प्रीमेच्योर एट द इनिशियल विजिट। इससे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हो सकेंगी। नंबर 79, ए पीडियाट्रिक नर्स रिसीव ए समन। सबोनियम इन समन, समन का मतलब होता है वारंट। एक पीडियाट्रिक नर्स ने समन रिसीव किया है, वारंट रिसीव किया इन ए कोर्ट केस, ए कोर्ट केस में इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड, किसी बच्चे से रिलेटेड है। बिफोर अपियरिंग इन कोर्ट, कोर्ट में अपियर होने से पहले व्हाट शुड द नर्स रिव्यू, नर्स क्या रिव्यू करेगी? इन एडिशन टू द स्टेट नर्स प्रैक्टिस एक्ट एंड ANA, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन कोड ऑफ नर्सेस, इस रूल के अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर वन, नर्सेज सोशल पॉलिसी स्टेटमेंट क्या रिव्यू करेगी? नर्स के सोशल पॉलिसी स्टेटमेंट का रिव्यू करेगी। स्टेट लॉ रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ माइनर्स, स्टेट लॉ को रिव्यू करेगी। ANA स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन के स्टैंडर्ड रूल्स को रीड करेगी या रिव्यू करेगी कि क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस में कौन कौन से रूल्स जो हम मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर फोर, रेफरेंसेस रिगार्डिंग चाइल्ड्स राइट टू कंसेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री। क्या रिव्यू करना चाहिए नर्स को कोर्ट में जाने से पहले कि कौन कौन से रूल्स पढ़ने हैं, मुझे रिव्यू करने हैं जो मुझे प्रोटेक्ट कर सकें या नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए मुझे राइट दे सकें। रेशनल, ANA स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस गाइडलाइंस गवर्न सेफ नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सेज आर लीगली रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस। नर्सेज सोशल पॉलिसी स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन व्हाट द पब्लिक कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द नर्सेज। नर्सिंग सोशल पॉलिसी स्टेटमेंट ये बताता है कि पब्लिक नर्सेज से क्या एक्सपेक्ट करती है। बट इट इज नॉट यूज टू गवर्न नर्सिंग प्रैक्टिस, बट ये नर्सिंग प्रैक्टिस का अधिकार नहीं देता है। ऑप्शन नंबर टू एंड फोर, देर आर नो डाटा टू इंडिकेट द इंफॉर्मेशन इज अननेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 780, एन ओल्डर एडल्ट इज ट्रीटेड इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक ओल्डर एडल्ट जिसका ट्रीटमेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हो रहा है। फोर, किसके लिए? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के लिए, दैट द मेडिकल टीम सस्पेक्ट माइट बी कॉज बाय फिजिकल एब्यूज। तो मेडिकल टीम ने यह असेस किया है कि ये किसी फिजिकल एब्यूज से इंजरी हुई है। एन एडल्ट चाइल्ड स्टेट दैट द पेरेंट इज फॉरगेटफुल एंड कंफ्यूज एंड फॉल ऑल द टाइम। एडल्ट चाइल्ड ये बोलता है कि पेरेंट्स के कंफ्यूज रहते हैं और
False all time. A mini mental examination indicate that the client is oriented to person. Examination करने के बाद ये indication होता है कि जो client है वो किससे oriented है, person से, place से और time से. And the client does not comment और client जवाब नहीं दे रहा when asked directly, जब उससे सीधे पूछा गया. How the bruises and abrasion occurred, तुम्हें चोट कैसे लगी या घाव या निशान कैसे बने. What is the next nursing action, next nursing action क्या होगा. Guess the right answer. Sorry, option number 1, interview the client without the presence of family member. Client का बिना family member के उपस्थिति में interview करना. Option number 2, report the absence to the appropriate state agency for investigation. State investigation agency को report करना. Accept the adult child explanation until more data can be collected. जब और data collect नहीं होते तब तक child के explanation को accept करना. Option number 4, refer the client's clinical record to the hospital ethical committee for review. Client का clinical record ethical committee, hospital की ethical committee के पास review के लिए भेजना. यहाँ पे हमें next nursing action का मतलब है कि priorities किस सेक्शन को देंगे. Guess the right answer. Right answer is option number 1, rational. Option number 1, interview the client without the presence of family member. क्या रीजन है. Privacy may provide an environment that is conducive to the client sharing information about the situation. से information लेने के लिए उस प्राइवेसी इज इम्पोर्टेंट. द क्लाइंट नीड टू बी केप्ट सेफ. क्लाइंट को सेफ रखा जाना चाहिए. दिस एक्शन इंश्योर एडिशनल टाइम फॉर असेसमेंट टू रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एब्यूज. दिस इज प्री मेच्योर. फर्दर असेसमेंट इज नीडेड टू डिटरमाइन इफ इट इज नेसेसरी टू नोटिफाई द अप्रोप्रिएट एजेंसी. मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हमें क्या है, क्लाइंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसके लिए हमें उसको प्राइवेसी प्रोवाइड कराना. बाकी के वर्क क्या बाद के हैं कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन के लिए एजेंसी को रिपोर्ट करना, हॉस्पिटल की इथिकल कमेटी को रिपोर्ट करना. दिस विल फॉर्म ए सेपरेट रिलेशनशिप विद द अडल्ट चाइल्ड विच इज नॉट इन द क्लाइंट्स बेस्ट इंटरेस्ट. रेफर द क्लाइंट्स clinical record to the hospital ethical committee for review is inappropriate. This situation present a legal not ethical issue. Thank you for watching. दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइए, ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके ईमेल या यूट्यूब के नोटिफिकेशन पे रिसीव हो सके, ताकि ये हमारी टीम को मोटिवेट करने के लिए हेल्प करेगा. आपके मोटिवेशन के लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए ये कोटेशन. कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता ही नहीं चले. कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ